गोरखपुर के शहीद सैनिक के पुत्र पर्वतारोही नीतीश सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। किलिमंजारो फतह करके पर्वतारोही नीतीश सिंह सोमवार को गोरखपुर लौटे। इस दौरान महानगर की चेतना तिराहे पर नागरिकों द्वारा फूल माला पहनाकर और बुके देकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस दौरान समीर कुमार, विवेक सिंह, दिनेश सिंह, जितेंद्र चौहान, अतुल पटेल सहित अन्य युवा मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पर्वतारोही नीतीश सिंह ने कहा, गोरखपुर का लहर आया और जब तक तू रहेगा नीतीश तेरा नाम लेगा, जब तक तू मेरा पर्वतारोही नीतीश सिंह से मैंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है और मैं 26 जनवरी को सुबह 6:50 पर मैंने ये झंडा भारत का तिरंगा फहराया था ऊपर सबसे ऊंचे पर्वत पर। नीतीश जी, ये कहाँ से आपके अंदर ये जिज्ञासा आई कि ये इस तरह से मुझे करना है? बचपन से रुचि रही थी ट्रैकिंग और ट्रैकिंग में और हाइकिंग में, तो जब कॉलेज में गए तो कुछ अलग करने की चीज़ें थी और ये प्रेरणा मेरे को मेरे सीनियर राहुल गुप्ता से मिली और फिर उसके बाद उनको देखते देखते मेरे को भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में मन लगने लगा तो फिर मैं माउंटेनियरिंग की फील्ड में आ गया। आज आपको गोरखपुर में स्वागत किया गया है, इस संबंध में क्या लगा? बहुत अच्छा लगा और ये सम्मान और ये लोगों का प्रेम है कि जो मुझे कभी हारने नहीं देता है पर्वत पे और मोटिवेशन देता है और ज़िंदगी में थोड़ा एक बैक सपोर्ट है तो वही बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देता है मेरे को आगे बढ़ने में। पर्वत पर चढ़ाई के दौरान आपको कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा? हाँ, अलग अलग चट्टान जैसे कि माउंट किलिमंजारो 5 भागों में बटा हुआ है। पहले आपको फॉरेस्ट होके जाना पड़ता है, फिर उसके बाद रॉकी फेस आता है, फिर उसके बाद डेजर्ट आता है, फिर उसके बाद छोटे कंकड़ों वाला और फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको ग्लेशियर पड़ता है। तो वो 5 आप क्लाइमेटिक जोन से जाते हैं तो उसे देखते हुए और बॉडी को सब कुछ करते हुए आपको आगे चढ़ाई करनी पड़ती है। इसका श्रेय मैं किरण नंदगिरी दीदी महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने उनको देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और बल्कि मैं ये पर्वत पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्वत मैंने एक थर्ड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके मैंने क्लाइम किया था और उसका श्रेय मैं इन्हीं को देना चाहता हूँ।